हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कक्षा 10। कितना? कक्षा 10 अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 का। ये पिछले साल का पेपर है, उनके लिए स्पेशल है जो बोर्ड एग्ज़ाम का 2023 का पेपर देने जा रहे हैं। स्पेशल उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द लड़के क्या होते हैं, अंग्रेजी से डरते हैं। ठीक, डरना नहीं, हमें डट कर लड़ना है। ठीक है, ये पेपर आपको बताएगा कि किस तरह से आपका पेपर को अटैम्प्ट करना और कितनी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके पहले हम फुल सोल्यूशन ऑफ मैथ का, मतलब गणित का 2022 का पेपर दिखा दिया गया है, लिस्ट बना दिया गया, हमारे चैनल पर जाकर आराम से उजली देख सकते हैं। ठीक, चलिए, आपका 2022 का ये पेपर है। पीएच टोटल कितना रहेगा? 12 रहेगा। अब उस पर डिपेंड करता है इस साल का पेपर, क्योंकि 20 नंबर ओएमआर सीट पे देना रहेगा, 50 नंबर थ्योरी बेस लिखना रहेगा, तो आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अनुक्रमांक ऐसे रहेगा, नाम आपको लिखना है, यहाँ पर आपके टीचर साइन करेंगे। ये पेपर 2022 का है, ठीक, अंग्रेजी माध्यम से। ठीक, यानी हम ये देखा जाए, पूर्णांक की बात की जाए तो टोटल कितने 70 अंकों का रहता है। ठीक है, और टाइम की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट रहता है। 15 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन को क्या करना, पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे रखा है, ए बी सी डी में डिवाइड किया रहता है, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, और अगेंस्ट ऑफ द ईच मतलब हर एक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क लिख दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ से जानकारी है। ठीक है, चलिए इसे हम आपको बताएंगे। यहाँ से देखिए, ये आपका एक हमें पहला दे रखा है, यानी सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। मतलब इसे आपको क्या करना, एकदम इजीली पढ़ना है, और उससे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे आपको बताना है। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिख रखा है ए, क्या देख रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो सर। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गॉड ही इज हाउस एट नाइट। इन द डे नाइट द डॉग वॉज ट्राइड विथ ए चैन टू ऑफ द हैवी स्टोन एंड वॉज फ्रीली, यानी फ्री एट नाइट। एवरी डे ए बर्ड्स कम एंड से द डॉग डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड। द बर्ड्स वुड प्ले विद द डॉग्स एंड ऑल्सो टीज हिम। ठीक है, बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल व्हेन द डॉग गॉट हीज फूड एवरी डे। द बर्ड्स वुड, यानी बर्ड्स वुड कम नियर एंड कैच द पीस ऑफ द फूड। सी हेल्ड इट अप द अप इन हर बीक एंड वाज आउट ऑफ हीज रीच जस्ट टू द टीज बट बस हीज हीज बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री। ठीक है, यानी बिकॉज ही वॉज अ ग्लैड टू हैव सम वन प्ले विथ। वन डे द बर्ड फेल इन टू द टब टब फुल ऑफ द वाटर नॉट एवरी फार ऑफ द अवे। द डॉग से दिस ऑफ दिस द ड्रैगे ड्रेजेड द हैवी स्टोन नियर इनफ टू रीच द टब। ही टुक द बर्ड्स आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड। द बर्ड्स ले स्टील एंड वाइल्ड एंड देन गॉट अप। मतलब ये आपको क्या करना है, इसका सेंटेंस पढ़ना, फिर पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड बर्ड्स बिकम टू फ्रेंड। कैसे वो क्या करेंगे, दोस्त बन गए, और क्या उसकी यानी डॉग की क्या ड्यूटी थी, वो क्या कार्य करता था, इसके बारे में आपको ढूंढ कर यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक, इसका भी सलूशन आपको दे दिया जाएगा जल्द ही, सब मतलब बता दिया जाएगा। अभी पेपर बता दिया जा रहा है, पेपर अटैम्प्ट करिए। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसमें सारा सोल्यूशन आपको हर एक का क्या कर दे इसे इजीली वे में दिखा दिया जाएगा। ठीक, व्हाट हैपेंड टू बर्ड्स वन डे, वो तो टप में गिर गई थी जिसमें बहुत सारा पानी था, यानी हाउ डिड द डॉग सेव, उसे कैसे बचा लिया गया, तो ये बताना है आपको। ठीक, फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच ऑफ द पुल एलॉन्ग द केयरफुल, यानी फोर्सफुल्ली। ठीक, जब पत्थर वो क्या कर रहा, उठा रहा था कौन, कुत्ता, तब उसके बारे में बताएगा। ठीक, फाइंड आउट द पैसेज ऑफ यानी टू अपोजिट ऑफ नियर, मतलब इस पैसेज में से क्या होता है, नियर का अपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है,
ये हो गया ठीक। अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या दे रखा है, राइट ए लेटर, मतलब ये चार नंबर का रहता है, चाहे आप लेटर लिखिए या कोई एक एप्लीकेशन लिखिए ठीक। तो लेटर या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आसान रहता है, लड़के क्या होते हैं मोस्टली एप्लीकेशन ही लिखते हैं क्या, यानी राइट ए लेटर टू फ्रेंड इनवाइट ही टू एट अ टाइम योर ब्रदर मैरिज, मतलब अपने भाई की शादी में किसी अपने दोस्त को बुलाने के लिए लेटर लिखना, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल कंप्लेन अगेंस्ट इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ द वाटर इन स्कूल, मतलब आपके स्कूल में पानी की कमी हो गई तो प्रिंसिपल को आप क्या करना है, पानी सप्लाई के लिए एप्लीकेशन लिखना है ठीक। या आपका तीसरा नंबर, यहाँ से तीसरा नंबर छः नंबर का है ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन छः मार्क का है ठीक है। तो क्या पूछा, नेम द पैसेज ऑन माई टाउन और सिटी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो, इसके आधार पर आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब उस सिटी या टाउन का नाम लिखना है, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ जो इस एरिया में जितने लोग रहते हैं काम क्या करते हैं ठीक। इट्स रोड इन मार्केट, रोड कैसा है, मार्केट का क्या कैसा है, ये सारी चीज़ें। वाट इज, वाट इट इज नाउन यानी नाउ फॉर, उसे कैसे क्या आप जानते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है ठीक। ये टोटल और टोटल छः नंबर कर, कितने नंबर कराता है, छः नंबर कराता है मेरे भाई ठीक। इसे आप अटैम्प्ट करिएगा, या और करके दिया उसे नहीं समझ में आ रहा तो ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से ठीक। इसे आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, देखिए छः नंबर का ये भी आपका 60 वर्डों में लिखना पड़ेगा। राइट एन आर्टिकल, मतलब एक आप आर्टिकल लिखना है टू बी पब्लिश इन द न्यूज़ पेपर ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ द रोड, रोड के रूल के बारे में लिखना है, पहले लिखना है क्या इस 80 वर्ड में लिखना है आपको, कितना 80 वर्ड में, 60 to 80 वर्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पॉइंट, ईजी फ्लो यानी ईजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे इजिली क्या हो सके ट्रैफिक न लगे, इजिली आपका सब काम हो जाए, सेव आवर टाइम, टाइम को हम बचा सकें, कीप अस सेफ यो यानी फ्राम एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी जो बहुत सारे इंसीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है उसे हम कैसे बच सकें, कंक्लूजन लिखना है इसके बारे में ठीक, रूल रेगुलेशन के बारे में, ट्रैफिक स्टेबल के बारे में, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा ठीक। तो ये टोटल और टोटल उसके बारे में था ठीक है। अब यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है, इसमें एमसीक्यू रहता है ठीक है, एमसीक्यू रहता है, आंसर द फॉलोइंग, मतलब पांच को एमसीक्यू रहेगा, एक एक नंबर का, टोटल पांच नंबर का। लिखा द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिवर ए होली इज, इसमें से कौन सा आर्टिकल प्रेजेंट है ठीक, तो ये आपको बताना पड़ेगा ठीक है, ये आपको बता दिया गया ठीक। अब आते हैं किस पे, दूसरे पे आते हैं, यहाँ से बी नंबर पे। बी नंबर क्या दे रखा है, बी नंबर क्या दे रखा है, बी नंबर दे रखा है, लिखा द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई वर्ब करना है ठीक है, यानी वरीड हो गया, लेफ्ट हो गया, न्यूज हो गया, द हो गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, उस पर आपको टिक मारना है ठीक। अब यहाँ से सी नंबर पे लिख रखा गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडी, री राइट द सेंटेंस, चेंज द अटेंशन इन टू द वर्ब, मतलब इसे क्या करना, दोबारा चेंज करके लिखना है अटेंशन इन टू द वर्ब, वर्ब के फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा ठीक है, यही सारा आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं किस पे, डी नंबर पे। डी नंबर आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, डी नंबर दे रखा है फील इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग यानी सेंटेंस, इसमें कौन सा यानी प्रीपोजिशन सही है, पहला दे रखा सी पुट द पेन डॉट 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 हर पॉकेट, इन रहेगा या इन टू रहेगा, एट रहेगा या ऑन रहेगा ठीक है, तो ये आपको लिखना है ठीक। ई वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ई वाला दे रखा है, ई वाला दे रखा है फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ड, मतलब एक्सिलरी वर्ड आपको करेक्ट करके लिखना है, पहला दे रखा इट डॉट 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 नॉट रेन स्टडे, वाज लगाना है, डिड लगाना है, हैड लगाना है या वुड लगाना है ठीक है, तो ये आपको इसमें से ढूंढ के लगाना है। अब क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा पाँच नंबर क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट अगेंस्ट देम, यानी पाँच गुड़े एक बराबर कितना, पाँच नंबर का ये भी है, क्या दे रखा है, इसे चेंज करना, जो भी ब्रैकेट में दिया रहेगा देखो इन ये डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इन नरेशन से है ठीक। ही सेड टू अस वाई आर यू सीटिंग आइडल, मतलब ये बताया गया है चेंज इंटू इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट वर्ड है, इसे नरेशन के फॉर्म में इनडायरेक्ट रूप में करना पड़ेगा ठीक, तो ये आप करिएगा ठीक। ये सब इजी है, आप इजी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप बताइएगा तुरंत, इसका एक नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
ठीक है। अब क्या दे रखा है इसे, अब पैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े होंगे, लिखा है आई वॉट एक डिक्शनरी सर्टे, यानी चेंज इनटू पैसिव वाइज, पैसिव वाइज में इसे चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े होंगे ठीक। और यहाँ से दे रखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर वे, यानी हाँ वेयर एवर नेसेसरी ठीक। पहले दे रखा है कैन यू गो टू दिल्ली टू डे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, मतलब कहाँ से आपको कैपिटल लेटर यूज करना है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा ठीक, ये आप देखिएगा ठीक है। अब क्या लिखा, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, मतलब इसे क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसे रीऑर्डर है, इसे ऑर्डर करके क्या करिएगा, दोबारा लिखिएगा जिससे करेक्ट सेंटेंस में फॉर्म हो सके। क्या लिखा है, यानी ट्रोबल यानी गिव ए ग्रेट डील ऑफ यूज द रैट्स, इसके बारे में बताना पड़ेगा ठीक। अब कंप्लीट द स्पेलिंग, ये भी एक नंबर का, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, कोई ऐसा ऐसा वर्ड यहाँ लिखना है जिसे एक अच्छा ये क्या हो, ये क्या बन जाए, शब्द बन जाए जिसका कुछ कुछ मतलब हो ठीक, ये आपको करना है ठीक। इतना हो गया। अब क्या दे रखा है, पाँच नंबर का आपका क्या दे रखा है, हिंदी टू इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन दे रखा है पाँच नंबर का ठीक। क्या लिखा है, यातायात के अच्छे साधन होना देश के प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, शिक्षा नौकरी व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, सब यानी इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़क एवं यानी द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है, इसमें समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण का भी छुटकारा मिलता है ठीक। इसे क्या करिएगा, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा, टोटल कितने नंबर का है, पाँच नंबर का है ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा ठीक है। अब यहाँ से दोबारा दूसरा दे रखा है, दूसरा लीजिए, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी है, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ गिवन बिलो, नीचे दे रखा है क्वेश्चन, आप इजीली से यहाँ कर सकते हैं ठीक। ये आप यहाँ से टोटल पढ़ते चलिए यहाँ से ठीक। देखिए एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और एक बार यहाँ से ले लीजिए ठीक है। तो इतना आप पढ़ के क्या करिएगा, इस पैसे जो बगल में पैसे दे रखा है इसका क्या कर देना है, आपको आंसर करना है ठीक है, आंसर करना है। ये भी टोटल कितने नंबर का रहता है, सीधा दिखा देते हैं आपको ठीक, यहाँ से रहता है ठीक। अब देखिए ये भी पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन व्हाट डिड द स्लोली फील, मतलब दो नंबर का है ठीक, दो नंबर का क्या यहाँ भी दे रखा है, व्हाट वाज द स्पीकर डिजायर व्हाट डिड ही डू टू फील हिज डिजायर 2000, ये भी दो नंबर का है ठीक। आंसर क्या दे रखा है, आंसर जो ये वर्ड दो दे रखा, कोई एक आंसर कितना, किसी एक का आंसर आपको लिखना है, वो भी कितने वर्डों में, 60 वर्डों में होना चाहिए, कितना चार नंबर का है आपका बन गया है ठीक है। कह रखा हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, मतलब ये भी चार नंबर, चाहे ये आप अटैम्प्ट करिए या कोई ये अटैम्प्ट करिए ठीक। वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीप, वाट ही डी लर्न इन द ईट, मतलब ये भी चाहिए, ये लिखिए या ये लिखिए, टोटल कितने नंबर का है, चार नंबर का है ठीक है। अब किस पे आते हैं, मतलब नौ नंबर पे आते हैं ठीक, नौवां नंबर पे आते हैं, नौवां नंबर क्या दे रखा है, नौवां नंबर पे दे रखा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 20 वर्ड में, मतलब कितना 20-25 वर्ड में लिखना है, दो प्लस दो चार नंबर का है ठीक है। अब ये नाइन नंबर क्या दे रखा है, यानी आंसर कोई लिखना है किसी दो आंसर 25 वर्ड में, कितना है, दो प्लस चार नंबर का है ठीक। क्या रखा, व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, मतलब इसकी डायरी में यानी क्या लिखा था, ये दो प्लस दो चार नंबर का है, ये भी करिएगा, चाहे ये करिएगा या हाउ डू द पीपुल ऑफ क्रूक डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम के बारे में, इसके बारे में आप लिखिएगा, ये भी दो नंबर का है ठीक। इसमें से तीनों में से कोई दो करिएगा आपको जो अच्छा लगेगा ठीक है। अब क्या दे रखा है, यहाँ से मैच दे रखा है ठीक, मैच आपको कराना यहाँ से, मैच वाला
ठीक, यानी लिस्ट ए लिस्ट बी में आपको क्या कर देना, मैच कराना, जो भी आपको लगेगा ऐसे ऐसे या क्या कर दिएगा आप मैच कराइएगा। ऐसे नहीं करते हैं, सुनिए यहाँ से इसका भी बता देते हैं कैसे। जैसे ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, ठीक। अब इन तीनों में से मान लेते हैं, सुनिए अब यहाँ से कैसे लिखना है आपको। मान लेते हैं इसका क्या होता है, इसका सही है तो मतलब ऐसे आप तीसरा नंबर लिखिएगा, चाहे इसमें मान लेते हैं पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा। अब मान लेते हैं ए है, ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, तो उसी में क्या होता है, घाजू माजू हो जाएगा, जिससे आपका क्या जाए आंसर सही गलत हो सकता है, ठीक है, गलत गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये था, अब इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब इसे ध्यान से सुनिए, ये भी कितना 11वां नंबर था, ठीक। 11 नंबर क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, इसके बारे में आपको क्या कर देना है, लिखना है। ये टोटल टोटल है इसका, ये दे रखा है, इसी का आंसर आपको लिखना है। देख दिस पोएम, दिस इज यानी हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के रचयिता कौन है, मतलब कवि कौन है, ये कितना नंबर का, दो नंबर का, ठीक। क्या रखा, विथ व्हाट हैज द फॉग बीन कंपेयर एंड वाई, ये भी कितना नंबर का है, दो नंबर का है, ठीक। ये आप जो ये कविता दे रखी है इसके बारे में आपका दो क्वेश्चन है, चार नंबर का ये है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेंट्रल आइडिया, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर लिखना, फायर इन वाइस पे या अमेंडा पे लिखना है, किसी एक पर लिखना है या और करके दे रखा है। मान लीजिए सेंट्रल आइडिया नहीं आते तो किसी चार लाइन की पोएम लिखिए जो आपकी कॉपी मतलब इसमें न दिया हो, ठीक। निकी नहीं वो पोएम दिए उसी को छाप दे, मतलब चार लाइन आप पोएम याद करके जाइएगा, चार नंबर ऐसे बन गया आपका, ठीक है। तो इसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, किसी दो यानी किसी दो का आंसर लिखना है, कितना नंबर का है, दो नंबर का है, दो दो नंबर का, चार नंबर का, ये भी है, ठीक। ये आपके सामने कितना ए बी सी, ये दो क्वेश्चन यानी दो आंसर, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, इसमें से कोई दो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या दे रखा है, यानी फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब सिस्टम में मतलब इसमें से एक या दो, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना, कितना नंबर का है, टोटल चार नंबर का है, कितना, चार नंबर का है। 14 नंबर का क्वेश्चन चार मार्क का प्रेजेंट है, ठीक। यानी 15 का ए और बी, 15 का ए बी में क्या करना है, पॉइंट आउट ट्रू या फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है फॉल्स है, ठीक है। यानी आपको क्या था पॉइंट करना, कौन सा है, पॉइंट करके आपको क्या करना है, लिखना है। एक और दो, दो नंबर का है ये, दो नंबर का है, ठीक। अब उसी के जस्ट नीचे क्या दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टर यानी अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस स्टेटमेंट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है कि मतलब द राइट ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्टिक इज, कौन सा है ये, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है उस पर आपको टिक मारना है, कोई एक पर, मतलब ये कितने नंबर का, एक नंबर का ये, अब इसके पीछे एक नंबर का ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। एट द क्लिनिक यानी एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ऑफ द ट्रकी, ठीक है, ट्रिकी, तो मतलब इसमें से कौन आपका बताना है, ठीक। तो ये आप बता देंगे तो इसी तरह से देखा जाए तो ये टोटल और टोटल हमारा अंग्रेजी का सब्जेक्ट है, ठीक। अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।